सवाल अकील बैग का है, जो बीकॉम और एमबीए हैं और पेशे से ताजिर हैं। पूछते हैं कि मैं उर्दू मीडियम का असरी तालीम का स्कूल चलाता हूं, दीनी तालीम का भी नज़्म है, दीनी तालीम कहां तक पढ़ाई जाए और कौन सा सिलेबस मुनासिब रहेगा, बराहे करम बतलाएं। देखिए, स्कूलों में दीनी तालीम कितनी हो, इस सिलसिले में एक मोटी सी बात तो यह है कि कुरान पाक नाजरा ज़रूर पढ़ा दिया जाए, उर्दू भी ज़रूर पढ़ा दी जाए पाँचवीं क्लास तक, और दीनियात की किताबें मुतअद्दिद तैयार की गई हैं, बहुत सी किताबें मार्केट में मौजूद हैं, जो किताब आपको पसंद आए उसको ले लें, जिसमें तहारत, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज और अकीदे के बुनियादी मसाइल, माशरती मसाइल, कुछ मामलात के मसाइल जो एक फ़र्द को जानना चाहिए, इतनी तालीम ज़रूर दे देनी चाहिए कि दीनी एतबार से फिर आदमी न तो एतकादी फितने का शिकार हो और न उसकी इबादात में कोई झोल रह जाए और न पाकी नापाकी के मसले में वो किसी गलत फहमी का शिकार हो सके, और ज़रूरी मामलात भी उसको मालूम हो, क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है, मोटी मोटी बातें ज़रूर उस तक पहुँच जाएँ। तो ऐसे कोर्सेज तैयार किए गए हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, जो कोर्स भी अच्छा लगे पसंद आए उसे आप इख्तियार कर लीजिए, लेकिन कुरान पाक नाजरा, उर्दू ज़बान और दीनियात, हर स्कूल में ये तीन मजामीन ज़रूरी हैं।